आम चुनाव से पहले देश की जनता का मूड क्या है, वो किसके सिर जीत का सहरा सजाएगी, अगर चुनाव होते हैं तो किसका पलड़ा भारी रहेगा, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हम आपको सबसे बड़ा ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर के इस ओपिनियन पोल में देश के मूड और मिजाज का पता चलेगा। सबसे पहले बात हरियाणा की, जहां लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने चेहरा बदला। इसका असर चुनाव में क्या पड़ेगा वो सर्वे से जान लेते हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी को 8 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती दिख रही है। वहीं INLD और दूसरी पार्टियों का खाता भी नहीं खुल रहा है। हरियाणा के बाद अब बात राजस्थान की, यहां अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन नतीजे 2019 वाले ही दिख रहे हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी सभी 25 सीटें जीतती दिख रही है। यहां कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का खाता खुलता भी नहीं दिख रहा। राजस्थान के बाद अब गुजरात के सर्वे पर नजर डाल लेते हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी सभी 26 सीटें जीतती दिख रही है। यहां कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन का खाता खुलता नहीं दिख रहा, यानी गुजरात में बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। अब हिमाचल प्रदेश का रुख कर लेते हैं। उत्तर भारत में ये इकलौता राज्य है जहां कांग्रेस अपने बूते सरकार में है। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा, यानी हिमाचल प्रदेश के नतीजे भी 2019 की तरह ही है। 2019 में भी यहाँ बीजेपी ने सभी 4 लोकसभा सीटें जीती थी। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड का मिजाज जानते हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की पहल कर धामी सरकार चर्चा में है। ऐसे में एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तराखंड में सभी 5 लोकसभा सीटें बीजेपी के पाले में जाती दिखाई दे रही हैं। उत्तराखंड में इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता खुलता नहीं दिख रहा, यानी 2014 और 2019 के बाद 2024 में भी उत्तराखंड में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। उत्तराखंड के बाद अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां चंद दिन पहले पीएम मोदी पहुंचे थे। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक जम्मू कश्मीर की कुल 5 सीटों में बीजेपी को 2 और कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल का संकेत यही है कि 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे भी 2019 की ही तरह रहने वाले हैं। हालांकि ये सिर्फ चुनावी अनुमान है, चुनाव के बाद जो तस्वीर निकल कर सामने आएगी वो यही रहती है या कुछ और, वो काउंटिंग के बाद पता चलेगा। खैर, आपको क्या लगता है कहां किसकी सरकार बनेगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।